कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। पैदल आ रहे यात्रियों को समाज सेवी ने कराया भोजन। जी हां, मुरादाबाद से पैदल चलकर कुशीनगर जनपद के ग्राम सभा सेखुई पहुंचे राहगीरों को समाज सेवी प्रमोद कुशवाहा ने नाश्ता और भोजन कराया। साथ ही अपने निजी साधन ट्रैक्टर और ट्राली के माध्यम से उनको उनके घर तक पहुँचाने का भी नेक कार्य किया। रविवार के सुबह लगभग 11 बजे के करीब NH 28B पर 13 लोग पैदल जाते हुए दिखाई दिए। खान पान समय से नहीं मिलने के कारण उन सब की स्थिति अति दयनीय हो गई थी। भूख के मारे कुछ राहगीर चल पाने में असमर्थ थे, पर एक दूसरे को हौसला अफजाई करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर सेखुई खास निवासी समाज सेवी प्रमोद कुशवाहा ने उनका नाम और पता पूछने लगे तो उन सभी राहगीरों के द्वारा बिहार प्रांत के नरकटियागंज के हरिनगर का निवासी बताया गया। उसके बाद समाज सेवी प्रमोद ने अपने घर बुलाकर नाश्ता और भोजन करवाया तथा उन सभी को अपने निजी वाहन से उनके घर तक पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया। उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की चारों ओर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। आइए देखते हैं कुशीनगर ब्यूरो रामलाल चौहान की एक रिपोर्ट। तो ये बहुत महान है, सरकार से भी महान है हमारे लिए कि इन्होंने हमें यहाँ से खाना खिलाया। इतना मतलब इतना रास्ता कट गया हमारा, ऐसा व्यवहार हमको अच्छा कहीं मिला नहीं। और यहाँ से फिर ये पहुँचा के हमको फिर वापस आएंगे, पता नहीं रास्ते में इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा उधर से आने के टाइम में। इधर से तो हम लोग कोई पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने हेल्प किया। अब उधर से आने के टाइम में अब ये मालूम नहीं है। आने वाले हैं बिहार के, इधर कहाँ से आ रहे हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या करते हैं आप? मुरादाबाद में काम करते हैं। तो मुरादाबाद से आप यहाँ कुशीनगर जनपद के सेखुई ग्राम सभा में आएंगे, यहाँ तक की दूरी आपने तय कैसे की? पैदल आए। आप लोग पैदल आ रहे हैं? आप सभी लोग पैदल वहाँ से आ रहे हैं? और 10-15 मिनट कोई सब्जी वाला या कोई हेल्प मिल गया तो उससे आ जाते, लेकिन वैसे हम लोग एक घंटा 10 मिनट हम लोग सवारी से चले हैं, बाकी पैदल ही चले। मुरादाबाद से आप लोग कितने दिन पहले चले हैं? मतलब आज हो गया हमारा 6th दिन। 6 दिन में आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर नरकटिया है। नरकटियागंज बिहार में है। 6 दिन आप लोग खाना वगैरह कहाँ खाए, पानी वगैरह कहाँ पिए, कहाँ सोए हैं, कैसे रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या आप? एक तो हम लोग 2-3 दिन के बाद लगभग 5 मिनट या 10 मिनट वहीं पे बैठे, फिर पैदल ही चलते रहे। इतने टाइम में हम लोग रात को पिपराइज में सोए और उधर से फिर आ रहे थे, थके हारे थे हम लोग। तो यहाँ ये घर वाले भाई साहब ने रोका हमको, बोला कि कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, तो इन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ पे बैठो आराम करो। हर चीज़ का साधन दिया इन्होंने, खाना पीना हर चीज़ लेके, चाय नाश्ता सब करवाया इन्होंने, पानी वानी पिलाया, फिर खाना वाना खिलाया, फिर सवारी से हम लोगों को बोले हैं कि वह आपको वहाँ तक छोड़ते। अच्छा बताइए, देश और प्रदेश सरकार के द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं कि जो यात्री मुसीबत में फंसे हैं उनको घर तक पहुंचाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई, इस प्रकरण में आप क्या कहेंगे? सर यूपी में जो यूपीए तक ही व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम लोगों को जाने के लिए अभी तक हमें कोई व्यवस्था मिली नहीं। ये अगर व्यवस्था मिली है हम लोगों को तो यहीं पे मिली है, यहाँ से हम लोग कहाँ कराने वाले हैं पूरा पता बताएंगे। आप काम क्या करते हैं? अच्छा बताइए, जो इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं आपके घर के अगल बगल, जो यहाँ पे इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं? ये भाई लोग हैं, अच्छे भूखे भूखे भरके लोग हैं, तो इसीलिए हम खाना खिलवाए हैं। अच्छा, इन लोगों को खाना वगैरह खिलाया है, नाश्ता वगैरह करवाया है। ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं, कुछ है मालूम आपको? बिहार जा रहे हैं लोग, भूख मारे तड़प रहे थे लोग, नाश्ता वगैरह दिए थे आप, खाना वगैरह खिला दिए हैं। आगे की आपके क्या योजना है? फिर गाड़ी से छोड़ेंगे वहाँ तक। अच्छा, आप गाड़ी भी छोड़ेंगे? गाड़ी से गाड़ी छोड़ देंगे। कौन सी गाड़ी है आपकी? ट्रैक्टर है। वो ट्रैक्टर दिखाएंगे क्या? सामने गाड़ी, यानी इसी ट्रैक्टर से आप इन लोग कितनी इनके मतलब घर तक पहुँचवाएंगे आप? जी। ऐसा काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत मना होता है, इंसानियत है, मानवता इंसानियत है चलते।